नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया और मैं आपके साथ तेज गोस्वामी। अभी हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़े एग्जिट पोल की। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स की। क्या कहते हैं तमाम एग्जिट पोल, हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि तमाम एग्जिट पोल के अनुसार किसकी सरकार इस बार राज्य में बनने जा रही है, किसे जनता ने चुना है और किसे जनता ने नकारा है, किसे जनता ने भर भर के वोट दिए हैं और किसी के पाले में कुछ नहीं गया है, हम आपको बताएंगे। क्या बसपा का हाथी चला या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल, यह हो सकता है कि भाजपा लहर एक बार फिर राज्य में आई हो और कांग्रेस का एक बार फिर सुपड़ा साफ हो गया हो, ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे सारे एग्जिट पोल का सच इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा इस बार किसकी सरकार। एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ भी हो, वही होगा जो कि जनता ने चाहा है और वही जीतेगा जिसे जनता ने वोट दिया है। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके तमाम एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल की। इनके एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा और गठबंधन को 288 से 326 सीटें मिल सकती है। इनके एग्जिट पोल के अनुसार यह है कि भाजपा लहर राज्य में छाई रहेगी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और तमाम अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको बता दें इनके एग्जिट पोल के अनुसार समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें मिल सकती है, वही बसपा को 3 से 9 और अदर्स के खाते में 3 से 6 सीटें जा सकती है। आइए बात कर लेते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे की। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी वही कह रहा है जो बाकी सर्वे कह रहे हैं। इनका एग्जिट पोल भी भाजपा को प्रचंड बहुमत देता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के खाते में इनके एग्जिट पोल के अनुसार 288 से 244 सीटें जा सकती है और समाजवादी पार्टी बहुमत से कोसों दूर 132 से 148 सीटों पर सिमट सकती है। इनके अलावा बसपा और कांग्रेस का बिल्कुल सभी एग्जिट पोल में सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। इनके एग्जिट पोल के अनुसार बसपा को 13 से 21 और अदर्स के खाते में 6 से 8 सीटें जा सकती है। अन्य में कांग्रेस को भी काउंट किया गया है। आइए बात कर लेते हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल की। इनका सर्वे ये कहता है कि एक बार फिर भाजपा सरकार और बहुमत के साथ और लहर के साथ, जी हां, भाजपा को इन्होंने 294 सीटें दी है जो कि बहुमत से काफी ज्यादा है। बहुमत का आंकड़ा 202 है और समाजवादी पार्टी को महज 105 सीटें मिल रही है। बाकी सारी पार्टी अगर मिल जाती है फिर भी वे भाजपा को नहीं हरा पाएगी। आपको बता दें बीएसपी को 2 और अदर्स को 2 सीटें दी गई है। यानी कि टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार बसपा और कांग्रेस का पूरी तरीके से नामो निशान लगभग खत्म हो गया। टाइम्स नाउ वीटो के एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। इनके एग्जिट पोल ने भी भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई है। भाजपा को इनके अनुसार 225 सीटें मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर बाकी सारे एग्जिट पोल के मुकाबले कम सीटें दी गई है। वह समाजवादी पार्टी को 151, बीएसपी को 14 और अदर्स को 13 सीटें मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं रिपब्लिक पी मार्क के एग्जिट पोल की। यह एग्जिट पोल क्या कहता है, ये भी वही कहता है जो सारे एग्जिट पोल कहते हैं, लेकिन इनके एग्जिट पोल में भाजपा को 240 सीटें दी गई है, समाजवादी पार्टी को 140, बीएसपी को 17 और अदर्स को 4 सीटें दी गई है। न्यूज एक्स पोल स्ट्रेट की बात करें तो ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं भाजपा को बहुमत की काफी ज्यादा करीब रख रहा। इनके सर्वे के अनुसार 211 से 225 सीटें भाजपा को मिल सकती है।
वहीं एसपी को 146 से 160, बीएसपी को 14 से 24 और कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिल सकती है। इस एग्जिट पोल को अगर सही मान लिया जाए तो फिर हो सकता है कि कांटे की टक्कर हो, लेकिन बाकी सारे एग्जिट पोल तो भाजपा को प्रचंड बहुमत दे रहे हैं और महज एक ही एग्जिट पोल है जो कि करीबन करीबन समाजवादी पार्टी की जीत भी दिखा रहा है। मतलब अगर गठबंधन कर लिया जाए बाकी सभी पार्टियों का तो फिर जीत हो सकती है, अन्यथा तो न्यूज एक्स पोल स्ट्रेट के अनुसार भी यही लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी, हालांकि इन्होंने भी बहुमत से काफी ज्यादा सीटें दी है। अब अगर इंडिया न्यूज की बात के एग्जिट पोल की बात करें तो आपको बता दें बीजेपी को 226 से 246 सीटें, एसपी को 144 से 160 सीटें, बीएसपी को 8 से 12 और कांग्रेस को महज 0 से 1 सीट मिल सकती है। आइए बात कर लेते हैं जी डिजाइन बॉक्स के सर्वे की। इनके एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को 245 से 267 सीटें, एसपी को 125 से 148 सीटें, बीएसपी को 5 से 9 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती है। ये थे तमाम एग्जिट पोल। अब आइए बात कर लेते हैं एग्जिट पोल के बाद पोल ऑफ पोल्स की, कि पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है। पोल ऑफ पोल्स मतलब आपको बता देते हैं महा एग्जिट पोल। महा एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 240 से 265 सीटें मिल सकती है, वहीं बीएसपी को 10 से 16 और समाजवादी पार्टी जो कि बीजेपी की टक्कर में नजर आ रही थी, समाजवादी पार्टी को 135 से 150 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती है। और पोल ऑफ पोल्स भी यही इशारा कर रहा है कि इस बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, भाजपा की एक बार फिर सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री के तौर पर लोग लगातार योगी को देखना ही चाह रहे हैं, तो ऐसे में ये एक बड़ी जीत होने वाली है भाजपा के लिए। एक बार फिर से इस बड़े बहुमत के साथ अब भाजपा जीतने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार एग्जिट पोल सही होते हैं, ऐसे कई मौके आए और लगभग हर वक्त ये देखा गया है कि एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं, लेकिन एग्जिट पोल जो बताते हैं कहीं ना कहीं वो लगभग सही नजर आता है। तो ये भी जानने वाली बात है कि अब आगे क्या होगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है, हालांकि अभी तक की जो भी रिपोर्ट थी हमने आपको दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अभी लाइक करिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में कौन जीत रहा है ये नहीं लिखा है तो आप क्या कर रहे हैं, आप जाइए लिखिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी या फिर भाजपा, क्योंकि अभी तक एग्जिट पोल आए हैं नतीजे नहीं। तो जो समाजवादी पार्टी के प्रशंसक है, समाजवादी पार्टी को राज्य में देखना चाहते हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट आने बाकी। लेकिन उससे पहले एजुकेशन ने आपके लिए लाएगा हर एक खबर चुनाव से जुड़ी, देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए।